हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया, और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का 4 है दोस्तों, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP, टेक्नीशियन, UPSC, IT, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, ISRO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कोट, उसके बाद लिखा है घड़ी और पत्र, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देख सबसे पहले वेन डायग्राम के आप प्रश्न को सॉल्व करने क्या तरीका है, पहले देखना है कि तीनों में क्या रिलेशन, कोट जैसे लिखा है, घड़ी लिखा है और पत्र लिखा है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन, यानी क्या संबंध दिया गया। तो कोई संबंध नहीं है, कोट यहाँ पर हो जाएगा अलग डायग्राम, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कोट का अलग, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा घड़ी का हम लोगों का हो जाएगा, उसी तरीके से आगे देखा जाए दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोगों का, पत्र हो जाएगा। तो तीनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए आप समझ लीजिए कि कोट, घड़ी और पत्र है, इन तीनों में कोई संबंध नहीं है, तो तीनों अलग अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया करा कि निम्न आकृति के लिए दर्पण छवि ज्ञात कीजिए, यदि दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है, तो ये एक फिगर दिया गया, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखने के बाद हम लोगों का कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे ये वाला देखिए आकृति जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, बहुत ही नज़दीक में, यानी ये लाइन के बहुत नज़दीक में है, तो यहाँ भी हम लोगों का जो करेंगे तो जस्ट क्या होना चाहिए, इसके जस्ट क्या होना चाहिए, एकदम नज़दीक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जितना दूरी पर उतने दूरी, इधर जैसे इतना खाली है तो इधर भी हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए, इतना खाली होना चाहिए, क्योंकि मिरर में आप जैसे यहाँ पर अगर कोई फिगर रख रहे हैं, यहाँ पर अगर एक फिगर हमने बनाया, तो उसी प्रकार से ये फिगर क्या बनेगा यहाँ पर, क्योंकि जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो उसी तरीके से आप इस पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे कि हाँ ये फिगर जस्ट इसके नज़दीक में ये हो जाएगा, और इधर जितना खाली गैप रखा है तो उधर खाली गैप हो जाएगा। ये देखिए ये आकृति एकदम पूरा बीच में कर दिया, इसमें देखिए अगर एक जो पेंट किया हुआ भाग है, यानी कि पॉइंट जो दिया गया ऊपर कर दिया, इसमें भी देखिए डबल पॉइंट लगा दिया, ये सब नहीं होगा, ए वाला होगा, और ए वाला को देखिए ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि आकृति ए सही हुआ, तो ए को ऑप्शन नंबर किस में रखा है, बी में रखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझ लीजिए। सिर्फ इतना समझना कि मिरर में जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर, अगर यहाँ पर इस तरीके से एक वर्ग बना है और जस्ट एकदम नज़दीक में है, तो यहाँ भी हम लोगों का जस्ट नज़दीक में बनेगा इस तरीके से, और इधर इतना खाली भाग है, तो इधर हम लोगों का इतना खाली भाग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी आकृति ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने एनालॉजी यानी सदृश्यता का सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर से वही संबंध जो दूसरे अक्षर का पहले से, यानी कहने का मतलब इसका संबंध अगर इस तरीके से है, तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए HOS और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों टी, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा FM, फिर हम लोगों के सामने QR, उसी प्रकार से आगे देखा जाए लिखा हुआ है DRON, तो इसका निकालना है, लॉजिक देख लीजिए कैसे हो जाएगा। H से यदि F पे चलेंगे, H के बाद F पे O से चलेंगे दोस्तों, M पे S से Q, T से R, तो कितना लेटर का वृद्धि किया है या कमी क्या होगा, ये आपको सोचना है कि आखिर कुछ ना कुछ या तो किया होगा,
कि एच से यदि एफ पे चलेंगे तो यहाँ पर माइनस दो करना होगा, यदि ओ से एम पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी माइनस दो करना होगा, इसमें भी आपको माइनस दो करना होगा और इसमें भी आपको क्या कर देना है माइनस दो कर देना। तो उसी प्रकार से आप इसमें घटा लीजिए माइनस दो, इसमें भी माइनस दो, इसमें भी आपका माइनस दो, इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस दो। तो डी में जैसे ही दो लेटर घटा देंगे तो बी हो जाएगा, हम लोगों का आर में दो लेटर अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ओ में दो लेटर घटा देंगे तो एम हो जाएगा, एन में दो लेटर घटा देंगे तो एल हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में बी पी एम एल, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया इसलिए समझ लीजिए कि बी पी एम एल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, श्रृंखला एक सीरीज को पूरा करना है और ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया उस जगह पर आपको करना क्या, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है खुद अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और कमेंट करेंगे टोटल कितने प्रश्न आपने सही किया और किस तरीके से सॉल्व किया। जैसे 209 तो सबसे पहले इसको नोट करना है, फिर हम लोगों के सामने हो जाएगा 205, उसी प्रकार से आगे देखा जाए दोस्तों 180 और इसी जगह है क्वेश्चन मार्क, फिर हम लोगों के सामने 119 दिया गया। तो चलिए लॉजिक को देखिए, 209 से यदि आप आएंगे इस पे चलेंगे तो देखिए कितना का कमी क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा चार का कमी क्या है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखा जाए 180 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तो हम लोगों का 20 और 5 25 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कमी 25 का कर रहा है। उसी प्रकार से आगे हम लोगों का क्या कमी हो जाएगा और यहाँ से हम लोगों का यहाँ पर क्या कमी हो जाएगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर यानी कि 2 5 यानी कि कैसे कैसे क्या है 209 से 200, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ हम लोगों का 196 तो हम लोगों का छूट गया, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो रुक जाइए, पहले 196 को तो लिखना होगा, 205 के बाद क्या करना होगा 196 हम लोगों का छूट रहा था, इस जगह पर ले लेते हैं 196 और उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 180 और इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क का, फिर आगे लिखा हुआ है 119। देखिए ना इसको कर देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा कि 205 से इस पे चलेंगे तो यहाँ पर माइनस चार हो जाएगा कमी किया है। उसी प्रकार से आगे देखा जाए 196 तो इधर हो जाएगा चार और पाँच क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, 2 3 उसी प्रकार से यहाँ से कितना किया गया 80 और हम लोगों का हो जाएगा 20। यहाँ पर देख लेते हैं कि अच्छा अच्छा 180 और 100 हम लोगों का यहाँ पर सही तो है, यानी कि 96 4 और 5 9 ठीक है 180 और यहाँ पर हो जाएगा 96, तो यहाँ पर क्या किया उसने 16 का कमी कर दिया, इसमें क्या कर दिया दोस्तों 16 का कमी कर दिया, यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का, अगला जो इस जगह पर आ जाएगा दोस्तों यानी कि यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 का कमी कर देना है और उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर क्या करना है 36 का कमी कर देना है। अब देखिए एक बात और भी बता देते हैं, हुआ क्या है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये जो इससे है तो ये 4 का स्क्वायर है, ये जैसे देख रहे हैं हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर है, अगला क्या है दोस्तों 6 का स्क्वायर है, इस जगह पर जो होगा ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो इस तरीके से हुआ है। तो देखिए 25 इसमें जैसे ही घटा लेंगे तो 180 में से इधर हो जाएगा 5 ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा देखिए इसमें 25 घटाना है इधर 5 हो जाएगा, इधर बचा हम लोगों के सामने 7 तो 7 में 2 जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और इधर 155 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए स्क्वायर करके उसने क्या किया था माइनस किया हुआ था, तो इस तरीके से ये वाला सीरीज पूरा होगा, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हेमंत ने नैतिक से कहा कि अनैतिक से कहा कि वह जो लड़का फुटबॉल से खेल रहा है मेरे पिता का, तो पहले हेमंत ने नैतिक से कहा रहा है, तो इस जगह पर हेमंत लिख लेते हैं, तो हेमंत ने नैतिक से कहा कि वह लड़का जो खेल रहा है मेरे यानी कि पिता, तो इसका हेमंत का क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, पिता की पत्नी यानी पिता की क्या दोस्तों ये देखिए मेरे पिता की पत्नी, तो इसका पत्नी कर लेते हैं यानी हेमंत की क्या हो जाएगा माँ हो जाएगा, यानी पत्नी की दो भाइयों में यानी पत्नी की बेटी, अच्छा पत्नी की क्या दोस्तों बेटी, तो बेटी बना लेते हैं,
तो बेटी की दो भाइयों में से छोटा, तो एक तो हेमंत हो गया और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दो में से एक छोटा, तो एक भाई कौन हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। तो यही हम लोगों का फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नैतिक नैतिक हो जाएगा। तो फुटबॉल खेल रहा लड़का हेमंत से किस तरीके, तो हेमंत का कौन हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करें फुटबॉल खेल रहा लड़का हेमंत से किस प्रकार देख रहा है, तो हेमंत का सीधा सा भाई हो जाएगा, यानी इस हेमंत का ये कौन लगेगा, तो भाई लगेगा। लेकिन साफ साफ लिखा है कि हेमंत ने नैतिक से कहा कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता का, यानी मेरे पिता की पत्नी की बेटी की दो भाइयों में से छोटा है, तो छोटा है तो यानी कि फुटबॉल जो खेल रहा है वो हेमंत का कौन लग जाएगा, भाई लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या जो हम लोगों के सामने दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए बिंदु की रेखा पर पारदर्शी कागज हम लोगों का प्रश्न चित्र को मोड़ने पर चित्रांकित होगा, यानी कि तो देखिए कहना क्या चाह रहा है कि इसको डॉट डॉट जो दिया गया है इसको आपको इसमें मोड़ना है, तो चलिए मोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम लोग मोड़ने जाएंगे तो कैसा बनेगा, इसमें भी एक तरीके से जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, जैसे ये कोना पे है तो एक हम लोगों का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, उसी प्रकार से एक पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, इस तरीके का होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में यानी आकृति ए सही हो रहा है और ए को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई सही नहीं होगा, तो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का हर एक एग्जाम का, चाहे वो SSCO, CGL, MTS, CHSL, GD, LP, टेक्नीशियन ग्रुप डी, NTPC, JEE, जितने भी एग्जाम है हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जितना दूरी पर है यानी यहाँ से तो यहाँ हो गया, उसी प्रकार से यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आकृति ए सही हुआ और ए को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने कैलेंडर का सवाल दिया गया, कह रहा है कि 31 दिसंबर, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 31 दिसंबर, तो 2005 को हम लोगों का कौन सा दिन दिया है, शनिवार दिया है, शनिवार, ठीक है। तो आपको आना है किस पे, तो 31 दिसंबर 2000 यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, 31 उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का दिसंबर, तो 31 दिसंबर आप जा रहे हैं किस पे, तो 2009 पे, तो 2009 पे जा रहे हैं सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो देखिए 2005 से 2009 पे जा रहे हैं, तो इस पे कितना का गैप है, यहाँ से देखिए दोस्तों 2009 से 2005 पे जाएंगे तो कितना जाना होगा, तो चार साल हम लोगों को जाना होगा, यानी 4 साल का गैप है, क्योंकि 5 से 9 पर जाएंगे तो 4 साल, और ये देखिए लीप वर्ष कौन आएगा, तो 2005 तो लीप वर्ष है नहीं, 2006 भी नहीं, 7 नहीं, 8 एक लीप वर्ष आएगा इसके बीच में, तो यहाँ पर प्लस क्या कर देना है, 1 कर देना, यानी ये देखना है कि लीप वर्ष क्या को आ रहा है, तो एक को लीप वर्ष आया, लेकिन 5 से 9 पे जा रहे हैं तो इसमें 2008 एक हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, लीप वर्ष आएगा, ये पता होना चाहिए 2008 क्या हो जाएगा, हम लोगों का लीप वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो 2008 लीप वर्ष आया, तो इसीलिए एक वहाँ पर 4 के 4 में एक जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, और इसी 5 में आप हम लोगों का 5 दिन आया ना, तो 5 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष 5 ही हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोगों का 5 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या आ जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो यही 5 आपको शनिवार में आपको जोड़ देना, यानी यही शनिवार में क्या करना है, 5 जोड़ देना है, तो जैसे ही शनिवार में 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रवि, सोम, मंगल, बुध यानी बृहस्पति यानी गुरुवार आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको करना क्या है, आंसर तो गुरुवार निकलेगा, लेकिन कैसे निकल रहा है जरा हमें वो बात हमें बता दीजिए, क्योंकि कई बार देखें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले आप ये देखिए कि 2005 से 2009 पे जा रहे हैं तो कितना साल का गैप है, तो 4 साल का गैप है, 4, इसमें देखिए लीप वर्ष क्या गो आ रहा है, तो 5 के बाद 2006 तो लीप वर्ष है नहीं, 7 ने, और लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, तो 4 में जैसे 4 साल का गैप है ना, लीप वर्ष पता करने के लिए किसी भी जितना का अंतर आएगा उसमें 4 से भाग दे दीजिए, तो कट रहा है एक बार में, तो एक लीप वर्ष आएगा, 2008 जो है लीप वर्ष है, इसीलिए आप 4 में 5 या 4 में 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
और यही पांच में अब क्या करना है, तो सात से भाग लगा देना। क्या करेंगे दोस्तों, सात से भाग, क्योंकि सात दिनों का दिन रिपीट करता है, तो शेष हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, तो क्योंकि पांच में सात से भाग लगाएंगे ना, तो शेष खुद वही हो जाएगा, यानी पांच ही बचेगा। आप देखिए ना, पांच में आप सात से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, पॉइंट में नहीं जाना, तो खुद शेष पांच बच रहा है, तो शेष जब खुद पांच ही बच रहा है क्योंकि सात से भाग लगेगा नहीं, तो आप इसमें क्या कर दीजिए, प्लस पांच दिन जोड़ दीजिए। जैसे ही प्लस पांच दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शनि के बाद हो जाएगा रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी गुरुवार आ जाएगा। सीधा सा है इस प्रश्न का आंसर, क्या आ जाएगा, गुरुवार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अप्रैल का, तो लिख लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ए पी आर उसके बाद आई एल, तो इसका क्या क्या कोड लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्लस दिया गया है, फिर हम लोगों के सामने गुना दिया है, फिर हम लोगों के सामने बीटा है, फिर हम लोगों के सामने अल्फा है, फिर हम लोगों के सामने एट द रेट दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो मार्च का कोड दिया है, क्या क्या कोड है हम लोगों के सामने, तो देखिए इस तरीके का एक कोड दिया गया है, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का प्लस हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने बीटा हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से कॉपीराइट, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया, इनफ्राइट दिया हुआ। उसी प्रकार से अब इसका कोड पूछा गया, यानी पी उसके बाद ए आर, तो पी ए आर उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ए एम। अब देखिए आपको करना क्या है इसमें, जिसका कोड, जैसे पी के लिए पी का कोड ढूंढिए कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर है, तो पी के लिए उसने गुना का प्रयोग किया है, पी के लिए गुना हो जाए। उसी प्रकार से ए के लिए, तो ए के लिए उसने प्लस का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से आर के लिए, तो आर के लिए बीटा का प्रयोग किया है, तो बीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से ए के लिए, तो ए के लिए देखिए शुरू में हम लोगों के सामने प्लस का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से एम के लिए, तो एम के लिए देखिए इस तरीके का सिम्बॉल किया, तो चलिए देखिए किस में मिल रहा है, हम लोगों का शुरू होना चाहिए प्लस, उसके बाद गुना, तो कहाँ पर है, हाँ प्लस, अच्छा गुना उसके बाद प्लस, तो गुना उसके बाद प्लस, फिर बीटा, फिर हम लोगों का प्लस, उसके बाद एप्सिलॉन। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को आप देखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन गुना प्लस बीटा प्लस उसके बाद हम लोगों का एप्सिलॉन। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट से यहाँ पर गलती हो जाएगा, तो थोड़ा सा सावधानी से, तो पहले हमने बेसिक बात को क्लियर करते हुए ही इस प्रश्न का आंसर करेंगे, वरना क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से कोई आकृति और ऊपर से इस तरीके से ला दिया, इसमें आपसे पूछा जाए कि अब कितना त्रिभुज है, तो क्या बोलिएगा, तीन त्रिभुज है। कैसे, एक त्रिभुज ये हो गया, एक दो त्रिभुज हो गया, और एक यहाँ से हम लोगों का यहाँ पर चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन त्रिभुज आ जाएगा। तो ठीक है, तीन त्रिभुज इस तरीके से हो जाएगा, तो वही काम देखिए हम लोगों का कहां कहां पर बनेगा। ये देखिए यहां से लेते हैं एक त्रिभुज, एक यहां से हम जहां से कर रहे हैं वहां पर देखिए इसमें तीन त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहां से हम लोगों का इस आकृति पे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से इस जगह से यहां पर चलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इधर तीन हो गया, अब एक ही चौथा हो जाएगा, और एक हम लोगों का इधर के यहाँ से चौथा हो गया। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि तीन तीन छः, एक वहाँ ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक में ये वाला आकृति में क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने वहाँ पर क्लियर कर दिया कि इस तरीके का रहेगा तीन। तो देखिए तीन तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, एक तेरह, तेरह त्रिभुज आपका ऐसे निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मुद्दा यहाँ पर है कि तेरह के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, एक त्रिभुज यहाँ से लेना होगा। ये देखिए यहाँ से हम लोगों का इस पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का प्लस वन करना, और उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से आपको क्या लेना होगा, यहाँ से देखिए हम जिस पे अंडरलाइन कर रहे हैं उस पर देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बना रहा है, और जिस तरीके से एक त्रिभुज हम लोगों के सामने इधर से बनाया, तो ये दो त्रिभुज आपको लेना था, यानी प्लस वन और प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, तेरह दो पंद्रह आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएंगे, प्रश्न में कुछ दम नहीं है। यहाँ से एक देखिए ना, आपको क्या बोले कि यहाँ से आप उठाइए और इस आकृति में देखिए, तो अभी आपको बोले कि सर इस तरीके का अगर कोई आकृति है और ऊपर से एक यहाँ से ला दिया, तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा, तीन त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने बंटवारा किया, तो एक त्रिभुज ये, एक दूसरा त्रिभुज, और एक यहाँ से लेंगे ये बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का तीसरा त्रिभुज। तो इसमें जब तीन निकल गया, उसी प्रकार से यहाँ से आप लेंगे, इसमें तीन हो जाएगा,
उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो और एक त्रिभुज इसको लेना और एक यहाँ से, ये देखिए अब इस पे चलेंगे तो ये वाला पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13, तो 13 त्रिभुज जब यहाँ पर आ चुका हम लोगों का, उसके बाद देखिए 1, 14 त्रिभुज आपको क्या लेना है, यहाँ से ले लेना, ये हो जाएगा 14वां। और एक उसी प्रकार से इधर से जाएंगे दोस्तों यहाँ पर लेने के लिए क्या हो जाएगा, 15वां। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। तो चलिए करते हैं, पहला ऑप्शन को उठाइए और रख दीजिए, जैसे 64 गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 5 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे, अब बराबर 88। तो यहीं से पता चल रहा है कि 5 में 8 से भाग लगेगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि भाग लगेगा नहीं तो पॉइंट में आंसर थोड़ी है। अब हम लोग बी को चेक करने का प्रयास करते हैं, तो 64 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर भाग क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, फिर आप माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर 88। तो यहाँ पर 4 में भी 5 से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी ऑप्शन हम लोगों का खत्म हो गया, ई नहीं ई नहीं। अब चलते हैं इस पे, तो सी पे करेंगे तो 64 अब प्लस क्या हो जाएगा 4, और 64 प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा 4, अब माइनस तो माइनस 5 और भाग क्या करना है दोस्तों 8 करना है, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि 5 में 8 से भाग लगेगा नहीं, तो इस सब हट गया। तो जब ई भी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ, ई भी नहीं हुआ, तो एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी आप चेक करके भी देख सकते हैं कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा। ये देखिए 64 और भाग क्या करना है, तो भाग करना होगा 4 और गुना करना होगा 5 और प्लस करना होगा 8, तो इसको करने के बाद 88 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए लॉजिक को देखिएगा। तो 64 में 4 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, रुक जाइए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 16 और गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, और प्लस क्या करना है 8 कर देना है, तो बराबर हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो 16 पंचे क्या हो जाएगा 80 और प्लस इधर 8 कर देंगे तो अच्छा अच्छा यहाँ पर 2 बार 8 लिखा गया इसके लिए, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के इसी को कर दीजिएगा, तो 16 पंचे क्या हो जाएगा 80 और प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 88 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त जो है वाहन को निरूपित करता है, ये वाला हम लोगों का वृत्त है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, वाहन बोल सकते हैं, ये वृत्त है तो ये वाहन निरूपित करता है, त्रिकोण 4 पहिए वाला को, तो ये है त्रिकोण, तो त्रिकोण हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा पहिया, तो ठीक है त्रिकोण 4 पहिए को हम लोगों को निरूपित, और आयत जो है कार को निरूपित करता है, तो आयत ये क्या हो जाएगा हम लोगों का कार को निरूपित करता है, ये हो जाएगा कार को, तो कौन सा क्षेत्र कह रहा है कि कार और चार पहिए, यानी कार होना चाहिए और चार पहियों को निरूपित करता है लेकिन वाहन को नहीं, उसने एक बात क्लियर कर दिया कि लेकिन हम लोगों का वाहन का नहीं, तो वाहन वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हट जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं क्योंकि इसमें उसने क्या लगा दिया, लेकिन वाहन नहीं होना चाहिए, हम लोगों का चार पहिया होना चाहिए, कार होना चाहिए लेकिन वाहन नहीं होना चाहिए, तो इस पार्ट को जब हटा ही देंगे तो बचा इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्यू हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, लेकिन उसने क्या कहा कि उस क्षेत्र का चयन करें जो हम लोगों का चार पहिया और वाहन है को निरूपित कर, लेकिन हम लोगों को, लेकिन हम लोगों का चार पहिया वाहन को नहीं, लेकिन वाहन को नहीं, तो वाहन वाला हिस्सा ये वाला है तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो वाहन का हिस्सा जैसे हट गया तो का चार पहिया और कार दोनों में कौन आ रहा है, तो क्यू आ रहा है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष सेलोलिज्म का, सभी प्रोटीन अंगूर है, तो प्रोटीन बना लेते हैं, यानी सभी प्रोटीन का हिस्सा अंगूर कर लिए, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है कि सभी अंगूर जो है गुच्छे है, तो इस जगह पर हो जाएगा सभी अंगूर क्या हो जाएगा गुच्छे हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लोगों का डायग्राम बना दिए। अब इसमें देखिए हम लोगों के सामने क्या दिया है कि सभी गुच्छे अंगूर है, क्या सब टो गुच्छा हम लोगों का ये अंगूर में जा पाएगा, वो कह रहा है सभी गुच्छे जो है अंगूर है तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि सब टो गुच्छा अंगूर में कैसे जा पाएगा, इतना बड़ा गोला किसका हम लोगों का गुच्छे का है, और वो कह रहा है कि सभी गुच्छे अंगूर, तो सब टो गुच्छा अंगूर के अंदर में नहीं, क्योंकि अंगूर का तो गोला इतना छोटा हो जाएगा तो उसमें सब टो गुच्छा जा पाएगा नहीं जा पाएगा, तो इस बात को आप क्या कर देंगे दोस्तों गलत कर देंगे, फिर लिखा सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, तो ये बात सही हो जाएगा, जितना
भी देखिए प्रोटीन का हिस्सा है वो क्या है दोस्तों, गुच्छे के अंदर में, इसी के अंदर में। तो ये वाला बात हम लोगों का बिल्कुल सही कह रहा है कि सभी प्रोटीन जो है गुच्छे, क्योंकि जितना भी प्रोटीन है वो गुच्छे के अंदर में है। तो इस बात को आप बिल्कुल सही कर देंगे तो केवल दो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखें इस टाइप का क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि कथन दिया है, इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। तो ठीक है, इस रेस्टोरेंट में क्या कहा कि सबसे हॉट एंड क्या सोर सूप मिलता है। कह रहा अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, तो ये बात हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कह रहा इस रेस्टोरेंट में जो है सबसे अच्छा, यानी कि इसका अर्थ है कहीं कहीं और भी मिलता होगा। इससे हम ये तर्क निकाल सकते हैं क्योंकि सबसे अच्छा लग रहा है, तो इसका अर्थ दो तीन जगह चेक किया था ना उसको, कह रहा है कि ये सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष कर रहा कि इस अन्य रेस्टोरेंट से कह रहा कि अन्य रेस्टोरेंट में सूप मिलता है, तो ये बात आप कह सकते हैं। क्योंकि सबसे अच्छा अगर आपको लग रहा है तो इसका अर्थ है कि चेक किया होगा वो, या यहाँ पर कह रहा है कि वही निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, ये बात हम कह सकते हैं। कर इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप, ये हम नहीं कह सकते, दुनिया के बारे में चर्चा नहीं है। कर इस रेस्टोरेंट का सूप सबसे अच्छा हॉट सूप है, लेकिन यहाँ पर दुनिया के बारे में हम लोग नहीं कह सकते। तो केवल एक सही होगा, थोड़ा सावधानी से वरना गलती करवा देगा, पहला भी बहुत सारा स्टूडेंट सही कर देगा तो या दूसरा भी सही कर देगा, दोनों सही कर देगा, तो ऐसे ऐसे आंसर आने लगेगा। तो यहां पर ए सही होगा, क्यों? क्योंकि इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा सूप मिलता है, इस तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि और जगह पर सूप मिलता होगा, इसलिए एक हम लोग सही करेंगे। दूसरा कर दुनिया का सबसे अच्छा, तो ये नहीं कह सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया, और इस टाइप का क्वेश्चन आजकल देख रहे हैं बराबर आया हुआ है, तो चलिए कर लीजिए। अब यहाँ पर इसको करने से पहले एक बात को हमेशा याद रखिए, एक घर में होता है बड़ा लोग, एक होता है बड़ा बराबर, एक क्या होता है दोस्तों बराबर। अगर घर में बड़ा लोग है तो वही डिसीजन लेगा, अगर वो नहीं है, बड़ा लोग नहीं है, तो कौन डिसीजन लेने जाएगा? ये दूसरा वाला लोग लेगा, ये वाला डिसीजन ये भी नहीं रहा, तो कौन डिसीजन लेगा? तो बराबर वाला लोग लेगा। तो इस तरीके से डिसीजन हम लोग लेते हैं, यानी घर में सबसे पहले बड़ा लोगों पर, बड़ा लोग यानी ये हुआ, दूसरा नंबर ये लोग हुआ, और तीसरा नंबर, तो फर्स्ट नंबर डिसीजन लेगा, अगर घर में नहीं रहेगा तो दूसरा नंबर घर में नहीं रहेगा, तीसरा। उसी प्रकार से होता है, एक छोटा एक होता है दोस्तों छोटा बराबर, एक होता है बराबर, तो घर में रहेगा छोटा लोग, तो पहले भाई अगर वो नहीं है तो उसका डिसीजन लेगा छोटा बराबर, अगर वो भी नहीं है तो इस तरीके से। और हमेशा एक बात को आप हमेशा याद रखें, क्या कि अपोजिट सिंबल, एक जैसे बड़ा एक छोटा आ गया तो इसका भी सिंबल नहीं बना सकता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बड़ा छोटा कभी भी आया तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहा, पहला निष्कर्ष में देखिए इतना सा आप समझे तो ये क्वेश्चन इस टाइप का जितना क्वेश्चन है सब हो जाएगा। एल और एन में संबंध देखिए, तो एल से यदि एन पे जा रहे हैं तो हम लोगों का क्या गो, हम लोगों का सिंबल है, एक है हम लोगों का बड़ा बराबर, एक है बड़ा लोग, ई हम लोगों का क्या हो जाएगा छोटा लोग, यहाँ से मतलब इस साइड में एन को बड़ा कर रहा है ना इस तरह। तो डिसीजन देखिए बड़ा लोग यानी कि यहाँ पर छोटा लोग जैसे हो रहा है, तो यानी कि एन को छोटा बना रहा है, तो यानी कि एन के साइड में डिसीजन लेना चाहिए, और एन में ही हम लोगों का, देखिए यहाँ पर जो सिम्बॉल गया है एन के साइड में ही बड़ा कर रहा है उसको, यानी कि तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से अब देखिए हम लोग चलेंगे के और क्या दोस्तों एम पे, देखिए अभी बिल्कुल समझ जाएंगे आप, देखिए तीनों तो चेक करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर जैसे अब K और M में देखिए रिलेशन, तो K और M यहाँ पर है ना, इधर K और M पे सिंबल क्या गो है, एक सिंबल दो सिंबल, तो दो सिंबल है, तो K के साइड में यानी बड़ा कर रहा है, तो K के साइड में देखिए मुंह खुला हुआ है, यहाँ देखिए मुंह किधर खुला, K को बड़ा होना चाहिए, तो K के साइड में मुंह खुला हुआ है, तो K क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से अब R और N में चल के देखिए, एकदम जो बात हम बता रहे हैं उस पर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो कभी गलती नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते ही चुटकियों में कर देंगे। R और N तो यहाँ पर है, R और N ये देखिए R N यहाँ पर, इसके बीच में दो सिंबल, तो N के साइड मुंह किया हुआ है, तो N के साइड यहाँ पर मुंह किया है कि नहीं, हाँ बिल्कुल किया है, तो ये वाला बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है, तीनों सही हो जाएगा। एक बात हमेशा याद, अपोजिट सिंबल कभी भी आया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसके बीच में कोई रिलेशन बनवे नहीं करेगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि स्थानीय पंचायत ने गांव की रक्षा के लिए रात का पहरेदार नियुक्त करने का फैसला लिया है। तो ठीक है, अच्छी बात है कि स्थानीय एक पंचायत ने क्या किया, गांव की रक्षा के लिए रात को हम लोगों को क्या कर रहा है, एक पहरादार नियुक्त करने का फैसला किया। अब देखिए
कि रात में पहरेदार होने से सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही कह सकते हैं। बहुत बड़े बड़े शहर में देखिएगा, वहाँ पर ये क्या होता है, पहरेदार होता है, तो इससे क्या होता है कि सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। फिर लिखा है कि हम लोगों का इसके बाद गाँव के लोगों के चारों ओर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बात हो जाएगा, जब पहरादार आ जाएगा तो गाँव के लोगों की चिंता क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। क्या स्थानीय पंचायत ने गाँव की रक्षा के लिए हम लोगों का ये दोनों धारणा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, हुआ क्या है कि स्थानीय पंचायत ने गांव की रक्षा के लिए रात को एक पंचायत नियुक्त करेंगे, तो रात में पंचायत होने से सुरक्षा से निश्चित हो सकता है, ये सही हो जाएगा, धारणा निकल जाएगा। इसके बाद गांव के लोगों के चारों ओर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी बात सही हो जाएगा। तो दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 16:25 PM पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, तो एक ही ट्रिक यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसी फॉर्मूला से चलेगा। 60 गुना क्या कर देना है, h कर देना है, माइनस यहाँ पर लिख देना 11, अब गुना में क्या करना है, m कर देना, ये 11, अब गुना क्या होता है दोस्तों, m, ये 11 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 11 m, अब बटे में क्या करना है, 2 कर देना है। अब जो डाटा दिया गया उसको बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 6 है ये घंटा है और 25 क्या है दोस्तों, मिनट है। h यानी होता है घंटा, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, h का मतलब होता है घंटा और m का मतलब क्या होता है हम लोगों का, मिनट होता है। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एम का मतलब मिनट होता है, बस इसी को बैठाना है। तो हो जाएगा 60 गुना क्या करना है, 6 कर देना है, माइनस 11, एम की जगह हो जाएगा 25, तो यहाँ पर 25, अब बटे में क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना है। इसी स्टेप को आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 360, अब माइनस इधर हो जाएगा 2 × 5 × 2 = 7, अब 5 × 2 = 75, अब बटे में 2। इसको जैसे ही आप सॉल्व करने बैठिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 75 यानी कि इधर हो जाएगा हम लोगों का, देखा जाए कितना आ जाएगा, यानी कि 75 तो इधर 25 और उधर 60, तो 60 और 25, 60 × 20 = 85, 85/2 हो जाएगा, यानी 85 और बटा में क्या हो जाएगा, 2, इसी को आप कटा दीजिएगा, तो 42 क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए, तो कह सकेंगे बस यही फॉर्मूला है, ट्रिक यही है, 60 × h − 11 m/2, इसी पर बैठा दीजिए, एच घंटा है, एम मिनट है, शुरू में 6 घंटा है और 25 क्या है, मिनट है, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटे का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।